ओके, सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. ब्राइट सनी डे एंड आज हमारे साथ है अदिति भवसर. एंड सम सुपर पावर्स अबाउट दिस गर्ल इज दैट शी हैज क्लियर्ड ऑल द एग्जाम्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड शी हैज ऑल्सो केप्ट अप पेस विद द पेपर्स एंड शी इज अ कंसिस्टेंट स्कोरर फ्रॉम IFOA. एंड उनके मार्क्स में बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे वो लैटिलिटी नहीं है. शी इज़ अ वेरी डिसिप्लिन गर्ल एंड वो हमारे साथ में मेंटोर भी कर रही है स्टूडेंट्स को लास्ट 1 ईयर से. सो लाइक शी हैज़ अ फुल टाइम कॉलेज एंड अलॉन्ग विद दैट शी हैज़ बैलेंस्ड ब्यूटिफुली हर स्टडीज एज वेल एज द मेंटरिंग प्रोग्राम्स दैट वी आर ऑफरिंग थ्रू हर टू आर स्टूडेंट्स. सो डेफिनेटली वो आपको बेटर गाइड कर पाएगी रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट. एंड CM2 एक ऐसा एग्जाम है जो आप देखेंगे ना, मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है लोगों को क्लियर करने में. एंड इसका जो रियल फीचर्स है, जैसा कि मैं क्लास में बताता हूँ आजकल, कि अब ये प्रैक्टिकल पेपर नहीं रह गया, अब ये थियोरेटिकल पेपर हो गया है फॉर IFOA स्टूडेंट स्पेसिफिकली. अब IIM में तो क्या है कि आपका OBA हो गया तो डेफिनेटली इट विल बी अ गुड मिक्स ऑफ प्रैक्टिकल एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन एज वेल. बट टू IFOA स्टूडेंट्स इट समहाउ चेंज द पैटर्न टू बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअल. अगर आप देखोगे एक 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको देख के लगेगा कि वो प्रैक्टिकल है, बट 15 में आपको मैक्सिमम 5 नंबर का ही प्रैक्टिकल मिलेगा. सो समहाउ आपको एग्जाम में जो नंबर्स या फिर कुछ प्रैक्टिकल मिलेगा वो रफली अराउंड 35 से 40 मार्क्स मैक्सिमम आपको देखने को मिल सकता है. सो दैट इज वाई अदिति इज गोइंग टू गाइड अस एंड बेसिकली शी इज ऑल्सो मेंटरिंग द स्टूडेंट्स टिल द IFOA एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर द IA एग्जाम. सो उसके पास में डेफिनेटली गेम प्लान भी होगा कि उनका क्लासेस अभी जैसे हो रहा है तो वो किस तरीके से क्लासेस और करवाएंगे सो दैट और भी लोग लाइव क्लास में अटेंड करें. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम अदिति. एंड आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप अपना डे रूटीन के बारे में थोड़ा हमें बताइए सबसे पहले तो. थैंक यू सो मच सर. हेलो एवरीवन. आई एम राइट नाउ डूइंग माय ग्रेजुएशन. आई हैव माय लास्ट ईयर रिमेनिंग येट. सो बेसिकली आई हैव कॉलेज मॉर्निंग फ्रॉम आई थिंक 8 to 1. सो आई कंप्लीट माय कॉलेज टिल 1. आई कम होम अराउंड 1:30 अराउंड. सो आफ्टर दैट आई टेक appropriate amount of break of around, let's just say, half an hour. Then I start studying from 2 to 2:30 around, and I have a certain pattern for study. Like I study continuously for 2 hours. I take a 15-20 minute break because I think that is very important to maintain your efficiency in studies, because I feel that number of hours you study is not that important. Actually, number of productive hours is more important. So with that, you also need to make sure that your efficiency stays. So that is usually my study pattern. I study for 2 hours. I take 15-20 minute breaks. I study again for 2 hours, and evening I take again around let's just say 1.5 hour time for myself, because that is definitely required for any student. And after that, I think at night usually I have lectures to take for around 1 to 1.5 hours. And yes, I do study for 2 hours in night as well after the lectures. So Okay, that so the day was very well planned, Aditi. So like it always look like a perfect fit जो हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाने का ट्राई करते हैं कोरिलेशन में. सो लाइक देखो, मेरे को ये बताओ कि सबसे पहले तो सिंस काफी टाइम से आप मेंटर कर रहे हो CM2 में, तो आपको क्या क्या कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स लगता है जो एक स्टूडेंट को CM2 के एग्जाम में फेस हो सकता है एंड वो उसको कैसे ओवरकम कर सकता है, ये आप सबसे पहले बताओ. So first thing is you need to understand that where you can score better. Like if I talk about paper A, then you have certain portion of chapters. Like if I consider runoff, ruin theory, measures of investment risk, these chapters you cannot afford making a mistake in these chapters, because these are really scoring chapters. Even if they put a tough question from such chapters, you can still solve them in exam, because it won't get that tough. Comparatively, if you see other chapters. Second thing is talking about paper B, you need to score as much as you can in paper B, because in CM2, paper B is a savior.
if you have a complete understanding of the concepts of paper A, paper B is not that difficult, provided you have actually, you know, done everything. Like, you have completed all assignments nicely, you have done five assignments, you have practiced past papers. That is more than enough for paper B. And paper B can actually increase your overall marks really nicely. So make sure that you do score well in paper B. Considering those certain portion of chapters, like if I start from portfolio theory. So portfolio theory consists some questions that you can solve easily. Like if I talk about CAPM models, or I talk about if you have, you know, two assets and you have a risk-free asset and a portfolio, you need to find variance, you need to minimize variance. Such questions you can solve easily. But in portfolio theory, I think concept is much more important here, because I think commenting is a significant chunk in portfolio theory. Because I have seen comments coming for 6 marks, 8 marks in portfolio theory. And if you do not write appropriate points, you won't get marks in that. And 8 marks is not a small chunk of marks. If you completely, you know, if you do not do good in that portion, you are losing on quite a few marks. So make sure that you're focusing on commenting. For that, I think the best approach is you can have certain notes for commenting. You can basically write certain significant points, keywords with you, which can be really helpful even to revise before exams, as well as, because for IFR it is open book, you can refer to that as well during your exam. So commenting, I think both in paper A and B, commenting you cannot ignore in CM2 at all. You cannot afford to make that mistakes, especially if you see the recent term exams, commenting actually is a significant chunk of proportion of the paper. And if you do not do good in that, then that is going to be a big problem. So I think you may have given mocks, you have, you know, practice, you know your weak areas. And I think you have around 3 weeks left for the CM2 exam. So please focus on your weak areas, work on that. I think 3 weeks is enough time to work on those areas. So do that. One more important thing, if you are solving the recent past papers, I would suggest that please appear for them as you appear for exam, like in the stipulated time limit, because there are multiple advantages for that. One, you can know if your typing speed is correct, because that is also of importance, because chapters like Brownian motion typing gets a bit difficult for IFOA. Second thing is, you can know your weak topics. You can know if you are able to complete your exam in that stipulated time period. So that analysis is really important for that. And definitely in the last 3 weeks, what are things you can cover, I think, is X and Y assignments you can solve by yourself. Once more, we have done those in classes, at least X assignments we have done, but you can solve them, you know, once again by yourself. You can refer to certain marked questions from booklets, like when you have solved booklets, you have certain difficulties you may have marked, so you can go through that. You can basically go through the mistakes you have been frequently making. And one most important thing, keep revising concepts. Because again, repeating the same thing, concepts in CM2 is of utmost importance. If you have your concepts clear, you can answer any question. Because certain questions in Brownian motion, if I'm specifically saying in Brownian motion, certain questions get difficult. But the only you know, easy way to do that is relate to the concepts that you've already studied. That is really important. And even if I you know, talk about derivatives, I was recently, I think, taking a doubts class, and I actually got to know the derivative, especially, you know, those questions where you have to replicate a portfolio or hedge from the hedging portfolio. Those questions get a bit confusing, especially if you have, you know, special derivatives with you, which have, you know, some different payoffs. So I think the best approach for such questions is go through graphs. If you use payoff graphs to replicate the same thing, I think that actually helps. And in payoff graphs, you should have a clarity that if I'm introducing a call option in a certain portfolio, how will my graph change? If you have that clarity for all the assets, I think using graphs helps a lot, because matching, if you match the graphs of portfolio, you can easily make a replicating portfolio. And then
the entire process goes very smoothly. One more thing is that, you know, if I talk about the chapters like the five-step discrete and five-step continuous, I think many people face difficulty in that because you are not actually able to relate those chapters that much. So I think the best strategy for those chapters would be that you can refer to the material multiple times. You can refer to the notes really nicely. So that would really help in that. That was really great. Like, you covered almost all the aspect. Now, like, see, dil hamara bachcha hai. To mere ko aap ye batao ki abhi jo hamare students hain, to hum log ek revision plan banate hain, theek hai? So exam is, jaisa ki aapne kaha ki 3 hafte baki hain. So like roughly we would be expecting ki aap week mein 4 sessions le rahe ho. ठीक है, लेट्स से सपोज 1 hour का, एंड वी कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 10 sessions अराउंड. ठीक है, सो हाउ एंड व्हाट यू फील यू विल बी कवरिंग इन योर लाइव क्लासेस, व्हिच इज व्हाट वी विल डू इज दैट फर्स्टली वी आर गोइंग टू पुट इट इन द क्यू फोरम, एक पूरा डिटेल्ड प्लान. ठीक है, तो 10 sessions का एक मास्टर स्ट्रैटेजी आप बताओ. ठीक है ना, लाइक बेसिकली आप देखोगे ना CM2 में रफली देर आर अराउंड 7 to 8 डिविजन्स. Okay, so can we basically touch each division and basically tell them what all are the important questions and discuss them in brief so that they get to know ki bhai last, dekho mere ko jo lagta hai ki last 2019 se paper ka pattern to dekho pura change hua hi hai. Theek hai, and har bar main jo paper dekhta hu, like abhi main recent mein karaya aapka IFOA ka jo paper main karaya, so the pattern has totally changed. मतलब उसमें आपने जो mention किया कि brown and motion के बारे में, what I feel is that अब उतना ज़्यादा मतलब mathematical typing is not a problem. जो मेरे को जो लग रहा है कि भाई वो लोग बहुत ज़्यादा statistics वाला चीज़ या फिर बहुत ज़्यादा number driven चीज़ वो लोग उतना नहीं दे रहे हैं. So what kind of questions I can expect in IFO exams is basically जहाँ पर आपको portfolio construction जो आपने mention किया, and जो आपने जो क्लासिक क्वेश्चन जो मेंशन किया कि जब दो एसेट देते हैं आप उसमें रिस्क फ्री एसेट को ऐड करते हो, एंड देन देयर इज अ लैग्रेंजियन फंक्शन वाला थिंग, आपको वो लोग पूरा स्ट्रेट लाइन बनाने बोलते हैं, वो एक जो क्वेश्चन आपने जो बोला, देन फोकस शुड बी ऑन वॉर एंड टेल वॉर टॉपिक्स जो एंड जो बोल्ड में जो है, जो नए टॉपिक्स जो है, जैसे आपका प्रीमियम वाला जो पार्ट है, राइट, दे कैन बेसिकली कम अप विद अ न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन कि आइदर फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू. अगेन उसके बाद में आप देखोगे स्ट्रेस कैन बी ऑन एनी ऑफ द 3 kinds ऑफ EMS दैट दे आर टॉकिंग अबाउट. एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज एन एफिशिएंट मार्केट, बच्चे पढ़ के गए कि वीक फॉर्म क्या है, सेमी स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, बट आया व्हाट इज एन एफिशिएंट मार्केट. ठीक है, तो बेसिकली गोइंग थ्रू दैट एंड वोलेटिलिटी, देखो जो थियरी चैप्टर है उसको तो आपको पूरा रटना पड़ेगा, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज एंड CM2 में आपको जो एक चीज जो और बचना है, जो मेरे को लगता है कि हम लोग को अपने को ना रटना तो है, ठीक है, बट अपने को वो एसेंस जो मटेरियल का एग्जैक्ट वो अपने कॉपी में नहीं आना चाहिए. सो ये अपने को बनाना है कि अपने अपने वर्ड्स में अपने नोट्स बनाए एंड उसी को बेसिकली अपने प्रैक्टिस करें. तो पहले से आपके कुछ अगर नोट्स बनाए हुए होंगे अपने वर्ड्स में तो आपको एग्जाम में उसमें हेल्प होगा, राइट. उसके बाद में CM2 में आप देखोगे ना मॉडल बेस्ड पेपर है, जैसे इसका पेपर का पहले जो नाम था आपका एक फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स था, बट मेनली मॉडल्स के संग डील करते हैं हम लोग. जैसे अगर मैं पीछे से आऊं तो जैसे रन ऑफ का एक मॉडल बन सकता है, आपका क्रेडिटर्स का मटन मॉडल बन सकता है, उसके बाद में आप बाइनोमियल का, ब्लैक स्कोल्स का, तो आप अगर एक्सेल पे मॉडल्स बना लोगे तो वहां पर आपका जो कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो बहुत ईजी हो जाता है. आप अगर देखोगे जहां ब्लैक स्कोल्स की हम लोग बात करते हैं तो वहां पर बेसिकली एक जो प्रोमिनेंट जो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने का चांस ज्यादा है, वो लोग पूरा कॉल ऑप्शन नहीं पूछेंगे, वो लोग कॉल ऑप्शन को 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे. बेसिकली ST5D1 को वो लोग ब्रेक कर देंगे कि वहां पर आपको बेसिकली एक शेयर मिल रहा है, एंड वो लोग एक कैश कॉम्पोनेंट को बेसिकली अगर आपका शेयर प्राइस 1000 रुपए के ऊपर जा रहा है तो बेसिकली आपको 500 रुपए मिलेगा. तो बेसिकली वो जो -K5D2 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ K5D2, तो कॉल ऑप्शन को ब्रेक करना, पुट ऑप्शन को ब्रेक करना, लेकिन शुड बी वेरी 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 कंफर्टेबल विद दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन जो आपके रिविजन नोट में ऑलरेडी है. ठीक है,
टॉकिंग अबाउट जो आपने एक प्रैक्टिकल बात कही कि भाई आप बात करते हो 5-step proof का, वो बेसिकली आप प्रैक्टिकली उतना देख भी नहीं समझ सकते हो, एंड जो मैंने कॉपी में करा है दैट इज सफिशियंट, एंड यू शुड ऑलवेज गो बाय द 80-20 rule की अगर अगर मान लो 80% आप अगर अच्छे से करके आ रहे हो, स्टिल यू आर गेटिंग 80% ऑफ द मार्क्स, राइट? तो 20% तो नया नया आएगा और चैलेंजिंग आएगा. एंड यू मेंशन सम ऑफ द टॉपिक्स की जहां जहां पर हम लोग बिल्कुल भी मार्क्स नहीं लूज कर सकते. इनफैक्ट मेरे को तो ये लगता है कि दो ही चैप्टर ऐसे हैं, मतलब आपका 5-step proof वाला ही ऐसा दो चैप्टर है, बिकॉज हमने अब की बार जिस तरीके से कवर कराया वैसे से इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नाउ इन दैट एरिया वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड कंपेरिजन क्वेश्चन की भाई कंपेयर बिटवीन वैसिस एक CIR मॉडल एंड हल वाइट मॉडल, जो तीन मॉडल्स जो हैं. एंड आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपने ग्राफ मेंशन किया था, राइट? आपने मेंशन किया था ग्राफ्स के बारे में, तो आपको वो लोग एक बोर्ड टाइप का स्ट्रक्चर बना के देंगे. आपको बताना होगा कि ये कौन सा स्ट्रेटेजी है. जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप सब लोग जैसे टाइम पास के लिए, यार मेरे को 1 घंटा टाइम पास ही करना, ऑप्स्ट्रा ऑप्शन एनालिटिक्स खोल लीजिए, एंड उसमें जो स्टैंडर्ड जो स्ट्रेटेजीज है कि भाई कॉल ऑप्शन का स्प्रेड क्या है, पुट ऑप्शन का स्प्रेड क्या है, स्ट्रैंगल क्या है, स्ट्रैडल क्या है, लॉन्ग क्या है, शॉर्ट क्या है, फ्यूचर फ्यूचर अगर मिक्स, तो ये बेसिकली बेसिक चीज का आपको ग्राफ का रीडिंग का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. तो उस पे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो बेसिकली नॉट आप उसके बाद में आप देखते हो स्टेट प्रेस डिफ्लेटर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सम ऑफ द पोर्शंस जहां वो लोग आपको हिट कर सकते हैं व्हेन दे आर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिंग अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द डिविडेंड, बट इट इज इन डिस्क्रीट फॉर्म. सो फॉर एग्जांपल द फ्यूचर इज ऑफ 20 months, राइट? एंड उसमें आपको वो लोग बोलेंगे कि द नेक्स्ट डिविडेंड इज 5% ऑफ द मार्केट वैल्यू आफ्टर 2 months. तो आपको देखना पड़ेगा 2 महीने पे होगा, 8 महीने पे होगा, 14 महीने पे होगा, एंड 20 महीने पे होगा. तो 4 डिविडेंड आपको मिलेंगे बट मार्केट वैल्यू के परसेंटेज में मिलेंगे. तो बेसिकली कन्वर्टिंग देम इनटू प्रेजेंट वैल्यू नंबर ऑफ यूनिट्स, तो वो टाइप का जो क्वेश्चन है. तो लास्ट 5 साल का तो अपने को एकदम थरो होना ही है. आपने मेंशन किया एक्स और वाई आपने कर चुके हैं, बट अदिति वी वी नीड टू बेसिकली फोकस मोर ऑन दिस 10 सेशंस. ओके, लेट्स लेट्स फिक्स द नंबर ऑफ सेशंस टू 10, एंड टू मेक इट इम्पॉर्टेंट व्हाट वील डू इज वील फिक्स द ड्यूरेशन ऑल्सो 60 मिनट्स. ओके, सो आई नीड दिस हेल्प फ्रॉम यू कि भाई 10 सेशंस जो ये लोग का लेना है अपने को, उसमें अपने को टॉपिक वाइज जाना है कि पहला दिन अपने कवर कर रहे हैं 3 चैप्टर, जो आपका मेजर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क तक हो रहे हैं, एक अपने पोर्टफोलियो पे कर रहे हैं, एक ब्राउनिन पे कर रहे हैं, 2 डेरिवेटिव्स पे कर रहे हैं बिकॉज डेरिवेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और एक अपने रन ऑफ पे कर रहे हैं, एक रूइन पे कर रहे हैं, अपने क्रेडिट रिस्क और मर्टन मॉडल, वहां तक पहुंचते पहुंचते लोगों का जो इच्छा है वो पूरा मर जाता है, राइट? तो अपने उस पे 2 कर रहे हैं, एंड एक अपने कर रहे हैं ब्लैक स्कोल्स और 5 स्टेप पे. तो दिस इज हाउ वी विल डिवाइड इट, एंड 10 सेशंस आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ. तो वहां आपने बेसिकली एक डिफरेंशिएट कर पाएंगे, राइट? सो हैव अ प्रॉपर स्टडी कि भाई कैसे क्या है, एंड एंड बेसिकली गिव देम अ गुड गुड मिक्स ऑफ प्रैक्टिस. जो लोग भी मॉक नहीं दिए, देखो हम लोग चेक करके पेपर्स दे रहे हैं, ठीक है? एक्सपर्ट्स आर चेकिंग द पेपर्स, तो आप मॉक दीजिए. मैंने अभी जैसे आज संडे है, ठीक है, मैं 1 दिन 2 दिन तक और खोल के रख सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि CM2 का एग्जाम थोड़े बाद में है, तो मेरे को थोड़ा सा फ्रीडम है. बेसिकली आप 1-2-3 दिन आप इस मंथ तक भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है? तो मॉक का आप दो. एंड अदिति लाइक जस्ट टेल मी कि व्हाट आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा टॉपिक है, जो क्या ऐसा रीजन है जिसके वजह से CM2 में पीपल आर एक्सपीरियंसिंग लो पास परसेंटेज, मतलब व्हाई इज CM2 सीन एज अ चैलेंज बिफोर इट्स गिवन. देने के पहले अपने को ऐसा लगता है कि अपने को सब आता है सब आता है सब आता है, एंड जब अपने देते हैं, जब अपने फेल हो जाते हैं बाय 1 मार्क्स और 2 मार्क्स. एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलना चाहूंगा कि आप देखोगे ना, कोई भी बहुत ज्यादा मार्क्स से फेल नहीं हो रहा है, कोई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, मैक्सिमम 3 नंबर से फेल हो रहा है. लाइक 90% ऑफ द फेलियर्स इज विद इन लेस 3 मार्क्स, मतलब या तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर. तो आपको क्या लग रहा है, क्या क्या आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स है, आप बताइए थोड़ा, क्योंकि अभी भी हमारे पास 20 दिन का समय है. So, I think as sir correctly mentioned, the pattern has completely changed. They focus a lot on, theoretical things basically, which commenting portions or you can say relating to concepts. And one thing I have seen so far is, there is a certain tendency which all of us have that we, when we solve past papers, we have this notion that, these topics are important. They usually come. These topics are not so important, but I have seen in past few terms of CM2 that especially in this exam, IFO can surprise you. It can put
very unexpected question, at least one or two unexpected questions in the exam. So when you're solving the exam, when you see such unexpected questions, even if you have that in back of your mind, it will feel a little bit surprising to you. Like this question, I didn't expect a certain thing like that. So that thing I feel definitely happens. One more thing is, again, I think I would like to mention that conceptual things get a bit difficult. As and even sir mentioned that relating the questions to concepts is really important, because there is this thing that they fuse 2-3 concepts in one question. So such type of questions also become difficult. Suppose they have black holes, but they have suppose options, but they have used Merton model and they have fused options into them. So such questions gets difficult, especially in that time pressure of 3 hours. Thinking efficiently for such questions becomes difficult because you have to complete the entire paper. There is a certain level of exam pressure definitely there. So you need to consider that you have a certain level of comfort with your concepts, that even if they are, and you have enough practice questions from past papers as well, so you know how they are, you know, merging to concepts, how they are finding different questions. So that is something you can definitely use. And this is also a very important point which you mentioned previously, that paper B, like this time Shivangi ma'am has done all the assignments, so nothing is left in CM2 as far as my knowledge is concerned. And ma'am, I'll request ma'am also to take few paper B master sessions. So Aditi, you focus on paper A, and I'll tell ma'am to basically take 3-4 sessions before the exam so that they are more comfortable in paper B as well. Okay. So देखो, मेरे को ये बोलना है कि अभी ये जो 20 दिन का टाइम फ्रेम है, अगर आप इसमें अच्छे से पढ़ते हो तो बहुत अच्छा बात है, अगर आप इसमें अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो आप वो लूप में फंस जाओगे. आपका रिजल्ट, IFOA इज बेसिकली अनाउंसिंग द रिजल्ट्स रियली लेट, तो आपका दिसंबर तक आएगा रिजल्ट, अगेन आपके अप्रैल में एग्जाम्स होंगे, आप उस लूप में फंस जाओगे. ठीक है, दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आएगा, सेकंड वीक में रिजल्ट आएगा, देन देयर इज क्रिसमस, देयर इज न्यू ईयर, सो बेसिकली टू ओवरकम ऑल दोस थिंग्स, आप देखोगे आंख बंद करोगे और खोलोगे जनवरी सेकंड वीक आ गया, राइट? सो अगेन यू विल हैव ओनली 3 months ऑफ टाइम टू बेसिकली स्टडी फॉर द एग्जाम. सो ये 20 दिन इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर CM2 स्पेसिफिकली. And why basically this is a cautionary session for CM2 specifically is because it's really challenging, what I feel. तो देखने के लिए बहुत easy है, जैसा मैम ने बताया कि topics बहुत scoring है, देखा जाए तो हिसाब मेरे उंगलियों पे है कि पहला आप कर रहे हो portfolio तक कर रहे हो, आप Brownian कर रहे हो, आप derivative कर रहे हो, ठीक है, and आप run off ruin कर रहे हो. I can know कि भाई last का 3-4 chapter थोड़ा सा challenging है, आप वहां Merton model pickup कर रहे हो जिसका base वही है, आपका black holes का base है, तो देखने के लिए बहुत इजी है, बट आपको पिकअप करना होगा, आपको मॉडल्स एक्सेल पे खुद बनाने होंगे, अपना खुद से बनाना होगा ताकि वो किसी के संग सिमिलर ना हो, ठीक है ना. एंड कैलकुलेशंस कैन बी रियली इजी, आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर मेकिंग मॉडल्स ऑन एक्सेल, ठीक है. सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, एंड थैंक यू सो मच अदिति. बस आप एक काम जरूर करना, आप एक बना के डिटेल्ड कि आप क्या क्या कराओगे वो मैं फिर कम्युनिटी में डाल दूंगा, ठीक है. सो दैट इज बेसिकली हेल्पिंग आवर स्टूडेंट्स. तो आप लोग प्लीज लाइव क्लास अटेंड करो, जैसे मैम हैज कंप्लेन की कोई लाइव क्लास में नहीं आ रहा, सो दिस इज वाई बेसिकली आई टुक दिस सेशन, कि इट्स अप टू यू, ठीक है ना. एज देखो, मेरा जो करने का है वो मैं कर रहा हूँ, मैम का जो करने का है, शिवांगी मैम का जो करने का है, ठीक है ना. तो एंड ऐसा वैसा नहीं है, मतलब हमने 50 फैकल्टी को लिया, उसमें हमने सिर्फ 5 को ही रिटेन किया, जिनका फीडबैक है वो सुपर्ब, कि भाई दे आर टेकिंग टाइम, दे आर बेसिकली गाइडिंग अस इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल, ठीक है. तो नाउ इट्स अप टू यू कि आप उसका बेनिफिट कितना अवेल कर रहे हो, ठीक है. मैंने आपकी बार पूरा फ्रेश रिकॉर्डिंग किया पेपर ए का, मैम ने किया, अदिति मैम भी अभी एंड तक, हम बोल रहे हैं कि आपको जितना भी क्लास होगा एकदम पूरा एंड तक हम लोग कराएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं CM2 में सबका क्लियर हो, बिकॉज द पेन इज हैवी, CM2 का पेन इज क्वाइट हैवी, ठीक है ना. तो ये है, एंड ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच अदिति फॉर ज्वाइनिंग, इट वॉज रियली अमेजिंग टू हियर यू आउट. ओके, थैंक यू सो मच. Thank you so much, and all the best everyone for the exam. Okay, bye.